जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय सेना के ताकत की बात करेंगे और देखेंगे हमारी भारतीय सेना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में भारतीय सेना को कागज़ का शेर बताया जाता है, तो आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स और अचीवमेंट्स की बात करते हैं जिससे सभी को भारतीय सेना के ताकत का अंदाज़ा लग सके। और हाँ, इस वीडियो को देखकर आपने अगर कुछ नया सीखा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि भारतीय सेना के ताकत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवगत कराया जा सके। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सभी को आसान भाषा में सभी बातें समझा सकूँ। भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश, दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना, दुनिया की सबसे बड़ी वॉलेंटियर सेना, 14 लाख एक्टिव पर्सनल के साथ 10 लाख रिजर्व पर्सनल, भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अगर कोई देश भारत पर आक्रमण करता है तो भारत के पास अग्नि मिसाइल सिस्टम है, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी विकास में APJ अब्दुल कलाम ने बहुत ही बड़ा योगदान निभाया है। अग्नि 5 की रेंज की बात करें तो ये 5000 से 8000 किलोमीटर के साथ किसी भी दिशा में मार कर सकता है, जिसकी रेंज में लगभग पूरा चाइना आ जाता है। और बात करें अग्नि 6 की, तो जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो उसकी रेंज 12000 किलोमीटर तक होगी। भारत दुनिया के कुछ गिने देशों में आता है जिनके पास एंटी सैटेलाइट वीपन है, जो कि दुश्मन के सैटेलाइट को तबाह कर उसकी संचार को ठप कर सकता है। ये तकनीक भारत ने 2019 में बनाई, जिसके बाद भारत रूस, अमेरिका और चाइना के बाद चौथा देश बन गया। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसको रसिया और भारत ने साथ मिलकर बनाया है, जिसे सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट और लैंड कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। अभी हाल ही में चाइना से बचाव के लिए फिलीपींस ने यह मिसाइल भारत से ख़रीदा है। वियतनाम और इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस को ख़रीदने में दिलचस्पी दिखाई है। बात करें ब्रह्मोस 2 की स्पीड की, तो ये 8 मैक यानी कि लगभग 9800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से 8 गुना तेज होगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये मिसाइल 2024 तक तैयार हो जाएगी। भारत वही देश है जिसने मिसाइल के पार्ट्स साइकिल और बैलगाड़ी से ढोकर आज वर्ल्ड के सबसे तेज मिसाइल को एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है। 4700 से ज़्यादा बैटल टैंक्स, 2200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट, 300 से ज़्यादा शिप्स, एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल, एक अंडरसी ट्रायल्स है, 17 सबमरीन्स। इतने बड़े डिफेंस सिस्टम को चलाने में एक बड़ा खर्चा आता है, जिसको आम भारतीय टैक्स पेयर के पैसे से चुकाया जाता है। और ये कितना चुकाया जाता है? साल 2021 और 22 का डिफेंस बजट 4,78,196 करोड़ रुपए का है, और ये हमारे टोटल बजट का 14% है। हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए इतना पैसा खर्चा होता है। हमारे अंतिम डिफेंस बजट के हिसाब से देखें तो हमारे टोटल डिफेंस बजट का 24% डिफेंस पेंशन में जाता है, और 44% सैलरी के रूप में जाता है, और 28% ही बस हमारे रक्षा सामग्री पर खर्च होता है। इसका मतलब यह है कि इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी हमारी सेना का मॉडर्नाइजेशन काफ़ी धीमा है। वैसे हमारा डिफेंस बजट दुनिया का 3रा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। कुछ लोगों को अब लगेगा कि इतना खर्चा क्यों, जंग तो होती नहीं, तो भारतीय सेना सुरक्षा प्रदान करने के अलावा और भी कामों को करती है जिन्हें शायद आप में से सभी को मालूम ना हो। खारदुंगला पास, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है, उसे हमारी सेना ने बनाया है। रिमोट एरियाज में सड़कों का निर्माण करना BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है, जो कि भारतीय सेना के अंतर्गत आती है। उसका काम है बॉर्डर एरियाज़ के रोड को डेवलप करना और मेंटेन करना। इसके बाद कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सेना ही सबसे ज़्यादा बचाव कार्य में लगाई जाती है। ऑपरेशन राहत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसमें उत्तराखंड बाढ़ में अटके 19,600 लोगों को भारतीय वायुसेना ने सुरक्षित निकाला था।
कश्मीर और केरला में भी बाढ़ के दौरान सेना ने काफ़ी लोगों को बचाया। सियाचिन लगभग 5,800 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, जहां युद्ध और गोली से ज़्यादा जवान मौसम ठंड के कारण शहीद हो जाते हैं। यहां तापमान -60 डिग्री तक गिर जाता है। 1984 से आज तक भारतीय सेना ने यहां अपनी मौजूदगी बना के रखी है। भारत में ही नहीं, दुनिया में शांति कायम करने के लिए यूएन के पीस कीपिंग मिशन में सबसे बड़ा योगदान भारत ही देता है, चाइना, यूएसए और रसिया से भी ज़्यादा। इतना कुछ करने के बाद भी और सुधार की गुंजाइश है। जैसे 1962 में हम चाइना से युद्ध क्यों हारे, जिसका मुख्य कारण ये था कि हम तैयारी में नहीं थे और हमारी सेना को बैक सपोर्ट ना मिलना एक बड़ी कमी थी। हमारे जवानों के पास समय रहते गोला बारूद नहीं पहुंचाया जा सका। चाइना ने रेलवेज तक बिछा दी और हमने ढंग के रोड्स अब बनाना शुरू किए हैं। इसमें एक बड़ा कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी है। हमारे देश की सुरक्षा के साथ जुड़े मुद्दे पर इतनी देरी नहीं की जा सकती, क्योंकि हम ऐसे जगह रहते हैं जहाँ कभी भी कोई सिचुएशन बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, हमारी सेना के पास संख्या बल, अनुभव, मनोबल है इतनी चुनौतियों के बाद भी। हो सकता है हम सबसे परफेक्ट ना हों, लेकिन इतना जानने के बाद हम कह सकते हैं कि भारतीय सेना कागज़ की शेर नहीं है, जैसे कि कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है, जो कि भ्रामक है। और आपको यह जानकर गर्व होना चाहिए कि इतनी बड़ी और ताकतवर सेना होने के बावजूद हमने कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया। बुरा ये नहीं कि विदेशी मीडिया गलत बातें फैलाती है, बुरा तब लगता है जब कुछ चंद लोग कहते हैं कि भारतीय सेना की रिस्पेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उनका कहना है कि वो भी एक पेड गवर्नमेंट पर्सनल ही हैं जो पैसों के लिए काम करते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। आप कुछ ना करें ठीक है, लेकिन सैनिकों का अपमान ना करें, क्योंकि इससे उनकी महानता कम नहीं होती, बल्कि यह आपके मूर्खता वाली बुद्धि को दर्शाता है। और आखिर में अब आपको इतनी जानकारी से पता ही चल गया होगा कि भारतीय सेना कितनी ताकतवर और मजबूत सेना है।